फरीदाबाद में आपस में भिड़ गए दो पूर्व पार्षद। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वहां पर मौजूद थे और मंच पर ही आपस में भिड़ गए पूर्व पार्षद। मंत्री ने दोनों को समझाने की कोशिश की लेकिन दोनों नहीं माने। पूर्व पार्षदों ने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की एक भी नहीं सुनी, दोनों की मंच पर ही हाथापाई भी हुई, जिस बीच माइक भी टूट गया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में आपस में भिड़ गए दो पूर्व पार्षद और दोनों के बीच काफी हाथापाई चली जम करके, जिसकी वजह से माइक भी टूट गया और केंद्रीय राज्य मंत्री मंच पर मौजूद थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की दोनों पूर्व पार्षदों को लेकिन दोनों ने एक न सुनी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की भी उन्होंने नहीं सुनी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में आपस में भिड़े दो पूर्व पार्षद और ये वो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भिड़े दोनों पूर्व पार्षद। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौके पर मौजूद थे, उन्हीं की मौजूदगी में ये हंगामा जो है वो देखने को मिला। दो पूर्व पार्षद आपस में भिड़ गए, दोनों की मंच पर हाथापाई हुई और माइक भी टूट गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आपस में वहां पर काफी हंगामा जो है वो दोनों पूर्व पार्षदों के बीच होता हुआ नजर आया। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले के बारे में, दोनों पूर्व पार्षदों के बीच इस बात को लेकर के यहाँ पर ये झगड़ा हुआ? देखिए बिल्कुल नितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि अधिकारी के साथ जो है वीरेंद्र भड़ाना कुछ जबरदस्ती कर रहे थे, उनसे कुछ खरी खोटी सुना रहे थे। इसी बात का विरोध पूर्व पार्षद कैलाश बैसला ने किया और इसी बात को लेकर इनकी वहां पर तूतू मैमे हो गई। तूतू मैमे काफी देर तक होती रही, उसके बाद खुद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उठे मंच से, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है शांत नहीं हुए और काफी देर तक ये मसला जो है ड्रामा वहां पर चलता रहा। जी, लेकिन केंद्रीय जो राज्य मंत्री वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में भी इस तरह से आपस में भिड़ना, कई बड़े सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वहां मौजूद थे और उसके बावजूद दो पार्षद आपस में अगर भिड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि सवालिया निशान जरूर लग जाता है। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरीके के होंगे। क्या कार्यक्रम था यहाँ पर राजेंद्र? देखिए यहाँ पर एक सड़क का कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे थे जहाँ पर अधिकारी भी मौजूद थे और अधिकारियों से वो अपनी खरी खोटी सुना रहे थे, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं उसी को लेकर कोई बात वो कह रहे थे और दूसरे जो पूर्व पार्षद है उन्होंने उनका पक्ष लिया और इसी बात को लेकर मामला बढ़ता चला गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद में आपस में भिड़े दो पूर्व पार्षद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की भी इन्होंने एक न सुनी, दोनों के बीच हाथापाई भी हुई जिस बीच माइक भी टूट गया।